करेंगे जो पिछले वर्ष के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करने हित करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। प्रत्येक वर्ष दिल्ली पुलिस 21 अक्टूबर को शहीद दिवस के रूप में आयोजित करती है, जिसमें उन शहीदों को स्मरण किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज से 59 साल पहले आज ही के दिन वर्ष 1959 में भारतीय पुलिस दल की एक छोटी टुकड़ी लद्दाख क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा के लिए तैनात थी। वहीं एक पहाड़ी पर छुपे चीनी सैनिकों के भारी दस्ते ने उन पर अचानक आक्रमण कर दिया। देश के शत्रुओं का सामना करते हुए भारतीय पुलिस दल के 10 जवान उस मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए। तब से प्रत्येक वर्ष हम उन शहीदों को आज के दिन याद करते हैं, साथ ही देश की सेवा में गत वर्ष प्राण न्योछावर करने वाले हर पुलिसकर्मी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गत वर्ष कुल 414 पुलिसकर्मियों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जिन राज्यों एवं पुलिस संगठनों में अपनी अपनी शोक परेड अलग से आयोजित की जाती है, उनसे संबंधित पुलिसकर्मियों का नाम ना पढ़कर केवल उनकी संख्या आपके समक्ष रखूंगा। आंध्र प्रदेश 6, असम 2, अंडमान एवं निकोबार 1, बिहार 10, छत्तीसगढ़ 25, दिल्ली 13, गुजरात 1, हरियाणा 2, जम्मू एंड कश्मीर 46, झारखंड 7, कर्नाटक 15, केरला 6, मध्य प्रदेश 8, महाराष्ट्र 3, मणिपुर 3, मेघालय 1, उड़ीसा 1, राजस्थान 1, सिक्किम 1, तमिलनाडु 2, तेलंगाना 2, त्रिपुरा 1, उत्तराखंड 2। पिछले वर्ष शहीद हुए दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के नाम: सब इंस्पेक्टर खजान सिंह साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गणेश दास कर्दम नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार थर्ड बटालियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह ट्रैफिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह साउथ वेस्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओमपाल नॉर्थ ईस्ट, हेड कांस्टेबल रोहित नायर साउथ ईस्ट, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार फर्स्ट बटालियन, कांस्टेबल विनेश कुमार ट्रैफिक, कांस्टेबल अमरपाल साउथ वेस्ट, कांस्टेबल भूप सिंह साउथ वेस्ट, कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह नॉर्थ वेस्ट,
एंड कांस्टेबल जसवीर सिंह ट्राफिक। Thank you.